सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त बड़ी खौफनाक खबर सामने आ रही है। चारों ओर डर का माहौल बना हुआ है। 1.5 किलोमीटर में चीख पुकार मच रही हैं और सभी लोग मदद और बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा खबर देखने को मिली है कि तेज रफ्तार कंटेनर ने लगातार 1.5 किलोमीटर के अंदर कोहरा मचा दिया। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। सड़क पर खून बिखरा हुआ है, कहीं पर सामान बिखरा हुआ है, कहीं पर 4-व्हीलर की गाड़ियों का चकनाचूर पड़ा है, तो कहीं पर 2-व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल गाड़ियां हैं जो कि चकनाचूर होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए क्या पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल घटना उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आ रही है, जहाँ पर देर शाम 7 बजे के आसपास एक कंटेनर ने करीब 1.5 किलोमीटर के अंदर 20 से अधिक गाड़ियों को रौंद डाला। सड़क पर सामान बिखरा, ये सब मंजर देखकर हर कोई की रूहें कांप जाती। आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के आगरा के नेशनल हाईवे पर मंगलवार शाम को 7 बजे मथुरा की तरफ से एक कंटेनर आ रहा था। सबसे पहले कंटेनर ने एक कैब में टक्कर मारी और ये कैब आगे चल रही कार में जा घुसा। लोगों ने शोर मचा दिया तो कंटेनर के ड्राइवर ने रुकने के अलावा और स्पीड बढ़ा दी, और जैसे ही स्पीड बढ़ाई तो वो करीब 1.5 किलोमीटर तक आए हुए सभी वाहनों और मोटरसाइकिलों, 4-व्हीलरों सभी को रौंदता हुआ आगे बढ़ता चला। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा, कुछ देर आगे कंटेनर रोका भी था, उस पर सवारी चढ़ गई थी और कंटेनर ड्राइवर को मारना पीटना भी शुरू कर दिया, लेकिन तब तक उसने स्पीड भी नहीं कम की और कंटेनर को रोका भी नहीं, जबकि और स्पीड बढ़ा दी। हालांकि जो मौजूद लोग उसे रोकने के लिए चढ़े थे वो भी उतर कर उन्होंने अपनी जैसे तैसे जान बचाई। दोस्तों, 1.5 किलोमीटर का यदि हम सफ़र देखते हैं तो इस 1.5 किलोमीटर के अंदर कहीं पर मोटरसाइकिल का सामान बिखरा हुआ है, कहीं पर किसी का बैग, कहीं पर किसी का बोरा, तो कहीं पर दोस्तों खून और चीखें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, दरअसल जब इस ड्राइवर को पकड़ा तो ये ड्राइवर नशे में पूरी तरह धुत था और नशे की वजह से ही इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस 1.5 किलोमीटर में आए करीब कितने लोगों को चोट आई है ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि लेकिन जानकारी के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि अब तक इस बड़ी घटना में 4 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं करीब 10 से 12 लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जनता ने भी ड्राइवर के साथ हाथ साफ किया है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि नए कानून के मुताबिक यदि भीड़ किसी व्यक्ति को पीटती है और उसकी मौत हो जाती है तो भीड़ में मौजूद सभी लोगों को फांसी तक की सजा हो सकती है। ऐसे में ड्राइवर तो बच जाता है, लेकिन जो जनता के साथ उसने इस प्रकार बड़ी घटना को 1.5 किलोमीटर तक अंजाम दिया, तो क्या ऐसे ड्राइवर को फांसी नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे ड्राइवर को सजा नहीं मिलनी चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर। सरकार के मुताबिक जो नया हिट एंड रन कानून है वो सही है और ऐसे ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, देखते रहेंगे हम आपको ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज के साथ।